Hello students, welcome to Smart World, a school of complete education. And once again, we are into our motivational segment. And today's our motivational thought is by Mahatma Gandhi. And what he says, I will not let anyone walk through my mind with their dirty feet. Matlab, कि मैं मेरे दिमाग में किसी भी गलत इंसान के गलत सोचों का या गलत विचारों का असर नहीं होने दूंगा. और ये सबसे बड़ी चीज है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. कोई कुछ गलत कर रहा है तो आपको जल्दी अट्रैक्ट कर लेता है, लेकिन कोई कुछ अच्छा करता है तो ये बहुत मुश्किल होता है कि आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, क्योंकि गलत काम लोगों को जल्दी आकर्षित करते हैं और आसान काम, राइट, है ना, गलत काम लोगों को जल्दी आकर्षित करते हैं, लेकिन जो मेहनत वाला काम है जिसमें एफर्ट्स लगता है उसमें आदमी ज़्यादातर अट्रैक्ट नहीं हो पाता है. तो हमेशा ये कोशिश रखो कि पहले तो पहचानो कि ये सही है या गलत है, और फिर उस बात को अपने दिमाग में एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है या आपको खुद निर्णय लेना होगा, है ना. दिन में आप हजारों नई चीज़ें सीखते हो, राइट, आपके पचासों नए दोस्त बनते हैं, लेकिन अच्छा दोस्त कौन है, बुरा दोस्त कौन है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, ये आपको कोई नहीं बता सकता. ये आपका दिमाग आपको खुद बताएगा. और गलत पता होता है कि ये गलत है, लेकिन वो आसान होता है इसलिए आप उसके साथ चले जाते हो. एक छोटा सा उदाहरण है, पढ़ाई लिखाई करना, दिन भर पढ़ना, नई नई चीज़ों को सीखना, राइट, टाइम वेस्ट किए बिना. खेलना ज़रूरी है तो एक दो घंटे आपने खेलने के लिए निकाल लिए, ख़त्म हो गया, लेकिन पढ़ना भी तो ज़रूरी है, उसके लिए टाइम निकालो, उसके लिए प्लानिंग करो, अपने एम्स को पहचानो उसके, है ना, राइट. लेकिन कोई दोस्त आपका खेलने लग गया या कुछ गलत चीज़ें बता रहा है, फट से आप उसे एक्सेप्ट कर लोगे, ये नहीं होना चाहिए. उसकी गलत, वो उसके गलत कदमों से आपके दिमाग पे चल रहा है, मतलब आपके दिमाग पे उसने अपनी बात डाल दी, जबकि वो गलत है. तो आपको सोचना चाहिए, ठीक है, किसी भी इंसान की गलत शब्दों का या गलत विचारों का आपके दिमाग पर कभी भी असर नहीं होना चाहिए, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, राइट. तो इसी तरीके से अच्छे सोचों के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाइए और यहाँ पर स्मार्ट वर्ल्ड में आते जाइए. कीप कमिंग, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट.